कि भिन्न संख्याओं को दशमलव संख्याओं में कैसे बदलते हैं। ठीक है, भिन्न संख्या इसको आप इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शनल नंबर और दशमलव संख्या यानी डेसिमल नंबर। ठीक, तो मान लीजिए आपको एक भिन्न संख्या दी हुई है 3/4। ठीक है, आपको पता है कि इसमें 3 को हम लोग अंश बोलते हैं और 4 को हर। ठीक, तो ये जो 3/4 है यानी इंग्लिश में 3/4, इसको आप दशमलव में कैसे बदलेंगे। मान लीजिए आपसे पूछा है कि 3/4 को जब आप दशमलव में बदलेंगे तो क्या आएगा, तो देखिए इसमें आपको करना क्या है, जो अंश है उसको आप अंदर लिखिए और जो हर है उसको बाहर लिखिए, उससे आप डिवाइड करिए। ठीक, अब भाग कैसे करेंगे वो देख लीजिए। देखिए आपको पता है अंदर तो 3 है और बाहर 4 है, अंदर छोटी नंबर है तो भाग तो होगा नहीं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे शून्य लगा के एक डेसिमल यानी दशमलव लगा देंगे। जैसे ही आप यहाँ एक दशमलव लगाएंगे आपको यहाँ पे एक शून्य बढ़ाने की परमिशन मिल गई। ठीक है, अब आप 4 का पहाड़ पढ़ सकते हैं, 4 × 7 = 28, 4 × 7 = 28 होता है। आपने इसके नीचे क्या लिखा, 28 और घटा दिया, 10 में से ऐड किया, 2 आ गया और यहाँ क्या हो गया, 0। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 है, अभी फिर भाग नहीं जाएगा तो डेसिमल आपका लग चुका है, तो एक शून्य आप यहाँ और बढ़ा सकते हैं। आपको पता है इसके बाई ओर वाले शून्य का कोई मतलब नहीं है, अब ये कौन संख्या होगी, 20 हो गई, तो 4 के पहाड़े में 20 आता है, 5 × 4 = 20 और ये कितना हो गया आपका, शेष पर शून्य हो गया। तो यह जो संख्या आई है 0.75, यही आप यहाँ पे लिखेंगे 0.75। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप भिन्न संख्या को दशमलव में बदल सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर इसको हमने बदला है तो ये आया है, तो अगर दशमलव संख्या को हम भिन्न में बदलेंगे तब भी आना चाहिए। ठीक है, तो अब चलिए लगे हाथ हम यह भी देख लेते हैं कि अगर 0.75 को आपको भिन्न में बदलना हो तो आप क्या करेंगे। तो बच्चों देखो इसके लिए नियम क्या है कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि दशमलव और शून्य जो बाई ओर के हैं ये सबको हटा के केवल जो अंक हैं उनको आप लिखेंगे। तो हमने क्या लिख दिया, 7, 5, 75। फिर आप एक लाइन खींचेंगे, दशमलव के स्थान पर 1 और दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने शून्य, तो 2 अंक हैं तो हमने 2 शून्य बढ़ा दिया। अब आप इस भिन्न को सरलतम रूप में ले लीजिए यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो 25 के पहाड़े से 3 बार में ये कट गया, 25 के पहाड़े से 4 बार में ये कट गया, यानी क्या हो गया, 3/4, 3/4। तो बच्चों इस तरीके से आपने इस वीडियो में देखा कि भिन्न संख्याओं को दशमलव में और दशमलव को वापस भिन्न में बदल सकते हैं हम लोग। ठीक है, आप कई सारे भिन्न पर ट्राई कर सकते हैं, इसको आप 1/8 पर ट्राई कर सकते हैं, आप 2/5 पर ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको देख लेंगे, जहां दिक्कत आएगी बच्चों मैं आपको YouTube में कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जय हिंद बच्चों।